डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्देश पर झारखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर डब्लिस होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार की 4 वर्ष के कार्य की जमकर आलोचना की और कहा कि ठग बंधन की सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने बताया कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, गरीबों को कंबल नहीं मिल रहा है, योजना कागज पर है, बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ है, बेरोजगारी पेंशन के वादा किया है वो नहीं दे रहे हैं। मौके पर मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह ने भी सरकार की नाकामी को गिराने का काम किया। उन्होंने कहा कि चुनावी वादा को पूरा नहीं कर सरकार सभी वर्ग के लोगों को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ईडी के 6 नोटिस में भी मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, उनको मालूम है कि मेरा पोल पट्टी न खुल जाए। मौके पर राजधानी यादव, पंकज सिंह, राकेश दुबे, बंसी यादव, विष्णु समेत अन्य भाजपाई शामिल थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 4 वर्षों में आज इस लातेहार के धरती पर मुझे पार्टी के निर्देशानुसार मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सौभाग्य मिला है। पिछले 4 सालों में ये ठगबंधन की सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को ठगने के काम किया है, चाहे वो किसी भी कार्य में, चाहे युवाओं को रोजगार देना हो, महिलाओं का सुरक्षा देना हो, गरीब मजदूर किसानों को आय दुगनी करनी हो, ये सब चीजों में हमारी इस राज्य की सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व वाली सरकार आज कहीं ना कहीं ये विफलता की ओर जा रही है। और यही विफलता बताता है कि आज इस प्रदेश 4 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ लूट हुआ है। अब इस 4 वर्षों में चाहे वो बालू चोरी, कोयला चोरी, पत्थर चोरी या अन्य जो लकड़ी चोरी, जो इस प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनके सम्लिप्तता और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके सम्लिप्तता के वजह से ये बड़ी बड़ी कार्य हो रही है। और आज भी प्रदेश के युवा, प्रदेश के बेरोजगार नौजवान आज सरकार से अपना हक के लिए अगर हक मांगने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लाठी से, डंटा से, आंसू गैस छोड़कर उनको मारपीट करके भगा दिया जा रहा है। दूसरा एक चीज और है कि जो भी संदिग्धता पर कार्य करने वाले, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, पारा टीचर हो, या और जो हमारे प्रदेश में जो कार्य करते हैं, जो सरकार के अंग है, वो सब कहीं ना कहीं उनकी जो घोषणा पत्र थी कि हम अस्थाई करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आज वो सब कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। 4 वर्षों में उन लोगों को ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जिसे हम आप सभी लोग देख सकते हैं गंभीरता से, ये मुद्दा है। और दूसरा कि हमारी माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है, कोई अपने सुरक्षा इस प्रदेश की प्रशासन हो, इस प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रहा है। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको फिर थपथपाया जा रहा है और उसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई या वो मजबूत कार्रवाई नहीं किया जा रहा है जिससे उसका मनोबल घटे ना बल्कि उसका मनोबल बढ़ रही है। ये तमाम चीजों के लेकर आज हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज इस प्रदेश में 4 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ लूट हुआ है, अभी 1 साल इनके पास और बचा हुआ है। चाहे किसी तरीके से लूट लेना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को छह समन ईडी ने भेजने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये कारण है कि अगर हम ईडी पास जाएंगे, जो हमारे लोग इस प्रदेश में लूट मचाए हुए हैं, चाहे वो संथाल परगना के एरिया हो या जहां भी उनके अपने मजबूत लोग हैं वहां पर लूट है, चाहे वो खनिज झारखंड की खनिज संपदा की लूट है, वो सब चीज को देखते हुए उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज को नकारते हुए, लेकिन हमें निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता के साथ है। आने वाला दिन अगर एक मजबूत सरकार बनती है तो हम लोग इस प्रदेश की जनता के हरेक जो कार्य, जो विधि सम्मत कार्य है, उसको हम लोग पूरा करने के काम करें।